हेलो एवरीवन, आज का वीडियो थोड़ा सा हटके होने वाला है बट मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि हर सेलिब्रिटीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करता है। कई लोग जान के करते हैं, नोइंगली करते हैं, कई लोग अनजाने में कर रहे होते हैं, बट वो सब कुछ कर रहे होते हैं। और आज का वीडियो इंस्पायरिंग भी होने वाला है। कई बार लगता है ना आपको कि सिर्फ काम करने से ऐसा होता है, बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं जिसमें बोलते हैं कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है। तो एक्चुअली काम की शुरुआत कहाँ से होती है? काम की शुरुआत होती है आपकी सोच से, और हर सेलिब्रिटी ये करता है। मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि कितने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, मोस्ट सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ किया, किस फॉर्म में यूज़ किया, मैं यही आपको बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं किससे? इलॉन मस्क से शुरू करते हैं। इलॉन मस्क बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, हर किसी को बोलते हैं कि एक्सट्रीमली सक्सेसफुल और रिच पर्सन। अगर उसका एग्जाम्पल लगाना हो तो टेस्ला और उनके साथ उनकी इलॉन मस्क की फ़ोटो ही लगाते हैं। तो उन्होंने कैसे इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ किया? एक इंटरव्यू मैं देख रही थी, उसमें उनकी गर्लफ्रेंड ने एक इंटरव्यू में एक इंफॉर्मेशन दी कि इलॉन अपनी खुद की क्रिएट की हुई एक दुनिया में ही रह रहे होते हैं। उनकी खुद की दुनिया इतनी स्ट्रांग होती है कि हर कोई उससे कन्विंस हो जाता है। इलॉन मस्क हमेशा कहते हैं, बहुत सारे इंटरव्यू में भी मैंने सुना है, यूनिवर्स हैज़ द आंसर ऑफ ऑल योर क्वेश्चन। ब्रह्मांड के पास आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर है, बस आपको अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस पूछने आने चाहिए। तो ब्रह्मांड में वो सारी चीज़ें मौजूद है, मीन्स हमारा विज़न बहुत क्लियर होना चाहिए। और उनकी सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं असाधारण हूँ मैं, गिफ्टेड हूँ, और कहीं ना कहीं मुझ में वो पोटेंसी है। उनका एक अलग ही दुनिया थी, उनने वो सारा विज़न क्रिएट किया था, फ्यूचर का विज़न, और उसको फिर रियलिटी बनाया। और बहुत अप एंड डाउन आए, पर उस समय भी उन्होंने अपने विल पावर को और अपने अंदर के बिलीव को, विश्वास को बना के रखा कि एक ना एक दिन मैं सफल बनूंगा। और आज भी इट्स अ नेवर एंडिंग गेम, प्रैक्टिकली तो वो सारे काम करने ही रहते हैं, बट हमारी सोच, हमारा विश्वास, हमारा इरादा और हमारे ऊपर जो यूनिवर्स का पावर रहता है वो हमारे अंदर रहता है, जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स ही तो हैं, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही तो ये सब बताते हैं। अपना विज़न बनाइए, बस उन्होंने विज़न बोर्ड नहीं बनाया, पर अपने दिमाग में अगर किसी ने विज़न बना लिया हो तो वो विज़न बोर्ड से कई गुना पावरफुल रहता है, क्योंकि वो पूरे टाइम उनके दिमाग में रहता है। इसके अलावा स्टीव जॉब ने भी एक बहुत अच्छा सेंटेंस बोला, मैं आपको बताती हूँ उसको पढ़ के। स्टीव जॉब्स सेड इन हिज स्पीच, उन्होंने एक स्पीच में बोला, फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशंस, दे समहाउ ऑलरेडी नो वॉट यू ट्रूली वॉन्ट टू बिकम, एवरीथिंग इज सेकेंडरी। आप अपने दिल की आवाज़ सुनिए, हृदय की आवाज़ सुनिए, इंट्यूशंस को सुनिए, वो सब कुछ जानते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। और वो उनकी जो आप बायोग्राफी पढ़ोगे तो उन्होंने भी अपने आप को कहीं ना कहीं एक असाधारण काम करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ ऐसा उनको अंदर विश्वास था, इसीलिए वो इतने बड़े सक्सेसफुल व्यक्ति बने। आप उनकी बायोग्राफी पढ़िए, अमेजिंग है। तो देखिए, दोनों ही व्यक्ति लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो करते हैं, अननोइंगली नोइंगली इट डजंट मैटर। नेक्स्ट, धीरू भाई अम्बानी के बारे में भी अगर आपने उनकी बायोग्राफी पढ़ी होगी तो कई बार उन्होंने, उनका विज़न तो बहुत क्लियर था और वो जो भी डिसीज़न करते थे, जो भी एक्शन लेते थे, वो किस बेस पे लेते थे? फ्यूचर में उनका जो विज़न है उसके बेस पे लेते थे और इमेजिनेशन के बेस पे लेते थे, और उनको खुद पे तो भरोसा था ही। तो ये तीनों चीज़ें किस चीज़ में बताते हैं? इसी चीज़ में तो बताते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत कहाँ से करना है? पहले अच्छे गोल बनाइए, मीन्स क्लैरिटी होनी चाहिए, आप क्या चाहते हो, विज़न होना चाहिए आपका। दूसरा, उस पर विश्वास होना चाहिए, बिलीव कि यस आई डिज़र्व इट, आई कैन डू इट। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेट गो और इंस्पायर्ड एक्शन। जब हम ये सब कुछ करने लगते हैं तो फिर हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, जैसे धीरूभाई अंबानी को। इसके अलावा अक्षय कुमार को देखिए, पीछे
गणेश जी की आरती शुरू हो गई है, बट मैं फटाफट इसको ख़त्म करती हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि हर सेलिब्रिटी, हर सक्सेसफुल व्यक्ति लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करता है। अक्षय कुमार भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, उनकी मैंने कई क्लिपिंग सुनी। एक क्लिपिंग मुझे जो अभी भी मेरे दिमाग में है वो है जो रजत शर्मा का आपकी अदालत शो आता होगा, आपको अगर याद हो तो, टीवी में ये शो आता था और उस समय आपकी अदालत में कौन, अक्षय कुमार आया था और रजत शर्मा ने उनसे ये पूछा कि क्या ये बात सही है कि आप जिस बंगले में रह रहे हो उसी बंगले की दीवार में आपने शुरुआती दौर पे फोटो खिंचवाई थी जो कि आपको अपने करियर की शुरुआत में रिक्वायर्ड थी, और उस बंगले में जाने के लिए आपको परमिशन नहीं मिली थी। तो उस समय अक्षय कुमार ने हंसते हुए कहा, यस ये सही है क्योंकि उस समय मैंने पैसे उधार लेके बहुत बड़े बड़े पोस्टर बनवाए थे खुद के, और उसके बाद फिर मुझे फ़ोटो खिंचाने के लिए एक बहुत अच्छे प्लेस की ज़रूरत थी, तो बहुत मैंने ट्राई किया, मिल नहीं रहा था। फिर मैंने जुहू बीच पे एक बंगला देखा और उसकी दीवार पे जाके ये फ़ोटो शूट हुआ, क्योंकि उसके चौकीदार ने मुझे अंदर जाने की परमिशन नहीं दी थी, इसीलिए मैंने उस दीवार पे जाके वो फ़ोटो खिंचवाई। और देखिए ईश्वर का कमाल देखिए कि आज उसी बंगले में वो रह रहे हैं। ये मेरी ख्याल से 2-3 साल पहले की इंटरव्यू की क्लिपिंग है, या हो सकता है और उससे पहले की हो, मैं टाइम ड्यूरेशन मैंने जानने की कोशिश नहीं की, बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये उस समय था। ये कई बार क्या होता है, नोइंगली होता है, कई बार अननोइंगली होता है। हर बार मैं बोलती हूँ, आप अगर किसी चीज़ की डिज़ायर रखते हो तो वो डिज़ायर भी आपकी इच्छा या आपके पास आने के लिए उतनी ही डिज़ायर रखती है। नेक्स्ट चीज़, एक और उनकी क्लिपिंग मैंने अक्षय कुमार की सुनी, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये उन्होंने खुद ही बताया कि जब मैं स्कूल में था 11th 12th के, तब मेरे ग्रेड बहुत बेकार आए थे, मैं बहुत बिल्कुल ही बेकार नंबर आए थे, बहुत कम आए थे, और मेरे पापा उस समय बहुत गुस्से में थे, वो मुझे डांटने के लिए आए और इतने गुस्से में थे कि वो शायद मुझे मार ही देते। पर जैसे ही उन्होंने बहुत गुस्से में मुझे डांटा और मारने के लिए हाथ उठाया और बोला, तू कुछ नहीं कर रहा है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है, जीवन में क्या बनेगा, तो मेरे मुंह से गुस्से में उस समय ही इतनी ज़ोर से गुस्से में निकला, मैं हीरो बनूंगा। और उसके बाद ये वाक्यात वो कई बार अपने पापा के साथ शेयर भी करते हैं, और उसके बाद मैं उनको उस चीज़ पे, उस समय यकीन नहीं था, पर आज देखो वो कैसे वो हीरो बन गए। तो अगर आप किसी चीज़ की डिज़ायर रखते हो तो धीरे धीरे उस पर अगर आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हो तो आपकी मंजिल आप पा ही लेते हो। पंकज त्रिपाठी को देखो, वो भी कई बार ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा आलिया भट्ट को देखो, आलिया भट्ट बताती हैं कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस ऐसे करती हूँ कि मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत रहती है तो मैं सिंपली बाथरूम में जाके मिरर के सामने वैसी एक्टिंग करती हूँ कि जैसे मुझे ऑस्कर अवार्ड लेना है, तो मैं मिरर में जाके इस तरह की एक्टिंग करती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, या मुझे ऑस्कर देने के लिए थैंक यू, इस तरीके से। एक और अनिल कपूर का वाक्यात मुझे याद आ रहा है, बहुत अमेजिंग है, कपिल शर्मा शो में मैंने सुना था, और ये ज़्यादा पुराना नहीं है, थोड़े दिन पुराना ही है। एक न्यू कमर लड़की उस फिल्म में एक्ट कर रही थी, और वो ये बैकडोर का सीन है, जब सीन कंप्लीट हो गया तो डाइनिंग टेबल पे सिर्फ अनिल कपूर और वो न्यू कमर बैठी हुई थी, वो लोग कुछ खा रहे थे। उसी समय वो न्यू कमर ने अनिल कपूर से बात की और बोला कि सर मैंने कैसा किया, तो अनिल कपूर बोलते हैं, यस यस बेस्ट बेस्ट, यू आर द बेस्ट यू आर द बेस्ट। तो उसने थैंक यू बोला। फिर एक बार और उसने पूछा, कहीं आपको कोई कमी तो नहीं लगी या मैं कहाँ सुधार कर सकती हूँ, नो 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 इट्स बेस्ट 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 यू आर द बेस्ट यू आर द बेस्ट। फिर तीसरी बार उन्होंने कुछ पूछा तो भी उन्होंने बोला, नो नो यस यू आर द बेस्ट यू आर द बेस्ट। बाद में उनको 2 मिनट के लिए फिर वो चुप हुई और बोली, हर चीज़ में जो भी पूछ रही हूँ उसका आंसर ये यस क्यों बोल रहे हैं। तो एक्चुअली जब उन्होंने उसको देखा कि ये सर देख रहे हैं कहाँ और क्या बोल रहे हैं, तो वो अपने आप को, खुद को, मिरर रखा था नीचे और वो खुद उस मिरर में खुद को देख रहे थे और बार बार खुद को बोल रहे थे, यू आर द बेस्ट यू आर द बेस्ट, ना कि उस लड़की को, हो सकता है एक आध बार बोला हो बट वो खुद को बोल रहे थे। एक और इंटरव्यू में वरुण धवन बताते हैं कि अनिल कपूर रोड पे कुछ रात को चल रही होगी शूटिंग, तो थोड़ी दूर वॉक कर रहे थे और अपने आप को बोल रहे थे, यू परफॉर्म वेल यू आर द बेस्ट यू आर द बेस्ट यू आर डूइंग गुड जॉब यू आर डूइंग गुड जॉब यू आर द बेस्ट।
तो इस तरीके से वो खुद को मोटिवेट करते थे। अब देखो कितने बड़े बड़े हीरो लोग भी अपने आप को वैसे ही करते हैं जैसे हम बोलते हैं ना, एक्ट एज इफ। जब आप अपने आप को खुद बोलते हो यू आर द बेस्ट वैसा फील करते हो, तो आप सच में बेस्ट बन जाते हो। और बहुत सारे लोग हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, एक बार ध्यान करती हूँ, मैंने इसमें सब लिख रखे हैं। शहनाज गिल भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करती हैं। इसके अलावा शाहरुख खान का भी मैंने सुना है क्लिपिंग, एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है, बट वो भी उसको फॉलो करते हैं। और उन्होंने मोर देन 20,000 बुक्स पढ़ी हुई हैं, या उनकी समरी पढ़ी हो, जो भी हो, बहुत डिटेल तो नहीं पता। बट इतने सारे सेलिब्रिटीज़ देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, सेलिब्रिटी हो, चाहे हमारे देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन हो, या सबसे मोस्ट या रिच पर्सन हो, वो सभी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं। अलग अलग फॉर्म में करते हैं, कोई जान के करता है, कोई अनजाने में करता है, बट ये सब करते हैं। एंड दिस इज द वे टू लिव पॉजिटिव लाइफ। अगर आप भी सफल, सुख और समृद्धि से भरा जीवन जीना चाहते हो, तो इन सारे लेसन्स को अपने जीवन में उतारो, पॉजिटिवली सोचो, विजुअलाइजेशन करो, एफर्मेशंस करो। ये सारी अच्छी चीज़ें हैं अच्छा फील करने के लिए। और फिर इंस्पायर्ड एक्शन लो। इस दुनिया में आए हो, काम नहीं करोगे तो क्या करोगे? तो काम करो, उसको इंजॉय करो, एंड प्रोसेस को, उस जर्नी को इंजॉय करो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू और मोटिवेट यू टू नो कि ये कोई बोगस पोकस साइंस नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड साइंस, एंड ईच एंड एवरी टेक्निक वर्क ऑन द बेसिस ऑफ योर बिलीव्स। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।